अखिलेश जी, बसपा ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की मायावती ने और समर्थन का ऐलान किया, उसके बाद आपका ट्वीट आया। मानते कि बसपा ने इतना बाजी मार ली समर्थन देने में? अब पता नहीं बाजी कैसे मारी जाती है। लखनऊ में पोस्टर लग रहे हैं, पोस्टर बहुत चल रहा है जिसमें मोदी वर्सेस योगी का चल रहा है कि योगी को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है इन राज्यों में चुनाव के हार का। मैं तो चाहूंगा पोस्टर की खबर आप लोग ही चैनल पे चलाएं जिससे पूरा देश देख ले, तो जो लड़ाई वहां है वो आपको पता लग जाएगी। और कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़ करके कहा, उस बात को यकीन में बदल दिया वोट के माध्यम से लोगों ने, किसानों ने। हमें उम्मीद है कि सरकार बनने के बाद सबसे पहला फैसला कांग्रेस पार्टी का यही हो कि वहां के किसानों का कर्ज माफ हो, इसलिए समाजवादी पार्टी ने उनका समर्थन किया है। देखिए, अभी कोई अलायंस की बात नहीं होगी, अभी केवल अपनी पार्टी कितनी मजबूत है और पार्टी का संगठन और पार्टी की तैयारी बूथ स्तर तक होगी। अलायंस हो जाता आपका, बसपा का, कांग्रेस का, तो और बेहतर परिणाम कांग्रेस के पक्ष में होता। उन बातों का कोई मतलब नहीं है, चुनाव खत्म हो गया है, कांग्रेस पार्टी अलग लड़ी, बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ी, समाजवादी पार्टी अलग लड़ी, और हमें खुशी है इस बात की कि समाजवादी पार्टी का कम समय देने के बाद भी इतना अच्छा प्रदर्शन हुआ है। आने वाले समय में हमारी कोशिश होगी कि वहां पर संगठन भी तैयार करें, नए साथियों को जोड़ें भी, और जिस विचारधारा पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, काम कर रही है, उस विचारधारा को गांव तक पहुंचाएं। अखिलेश जी, माना जाए 2019 में आप कांग्रेस के साथ फिर जाएंगे, महागठबंधन में वो भी शामिल होंगे? वो ख्याल 11 का इसलिए आया कि जिस दिन काउंटिंग हो रही थी वो तारीख 11 थी, इसलिए मैंने जानबूझ करके इस बात को कहा कि इन परिणामों के बाद भारतीय जनता पार्टी को जाना ही है, और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत नफरत फैलाई है, बहुत जनता को धोखा दिया है, और अभी तो इन्हीं प्रदेशों में उनका ये परिणाम आया है। आने वाले समय में जब देश का चुनाव होगा उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता को धोखा दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो नफरत फैलाई है, भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों के साथ धोखा किया है, नौजवानों के साथ जो नौकरी और रोजगार को लेकर के धोखा दिया है, इन सब का जवाब आने वाले चुनाव में उन्हें मिलने जा रहा है। सर, आपका एक बयान आया था चुनाव के दौरान और ये कि अगर योगी मुख्यमंत्री रहते हैं तो समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। हाँ, क्योंकि वो भगवानों की जात बता रहे हैं तो अच्छी बात है, अभी तो कुछ ही भगवानों की जाति बताई है, अगर वो सभी भगवानों की जाति बता दें तो हमें काम आसान हो जाएगा, हम अपनी जाति वाले भगवान से कुछ मांगेंगे, हम इधर उधर क्यों मांगे कोई चीज। अब तो उन्हें खुद बताना पड़ेगा कि किस भगवान ने उन्हें क्या दिया है, क्या मिला उन्हें बताओ। कल ही बहुत सारे प्रदेशों के परिणाम आए हैं, जहां चुनाव था हम जनता का आभार प्रकट करते हैं, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की जनता का आभार प्रकट करते हैं, और जो जनादेश मिला है उसका भी समाजवादी पार्टी स्वागत करती है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ी, राजस्थान में कुछ कम सीटों पर लड़ी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ समझौता रहा और कई विधानसभाओं में चुनाव लड़े हैं। हालांकि बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन हमें खुशी है इस बात की, मध्य प्रदेश की जनता का हम विशेष आभार प्रकट करेंगे कि वहां की जनता ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में भी मतदान किया। एक सीट जहां समाजवादी पार्टी जीती है छतरपुर जिले में, वहीं कई सीटों पर समाजवादी पार्टी नंबर 2 पे रही है। नुकसान दूसरे दलों का न हो, खासकर बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाला, इसलिए वहीं समाजवादी पार्टी लड़ी थी जहां पर पार्टी का कुछ संगठन था या पार्टी के कुछ साथी लड़ना चाहते थे। हमें खुशी है इस बात की कि मध्य प्रदेश की जनता ने कुछ सवाल जो समाजवादियों ने उनके बीच रखे थे उनका समर्थन मिला है। बालाघाट या उस जिले में जो दोनों सीटें लड़े कंकर मंजारे, जो हमारे पूर्व सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, बहुत कम फासले से वो भी हार गए। इस तरह और सीटों पे भी नंबर 2 की लड़ाई पार्टी ने लड़ी और केवल एक पार्टी जीत
सदस्य जीते हैं और आज ही समाजवादी पार्टी ने सभी से राय मशवरा करके फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उसका समर्थन समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में किया है। हमें उम्मीद, कांग्रेस पार्टी ने जो जनता के बीच वादे किए थे, सबसे बड़ा मुद्दा जो था किसानों का सवाल को लेकर के, किसान तकलीफ में परेशानी में है और वहां का किसान चाहता है कि उसका कर्ज माफ हो। अखिलेश जी, ये राजस्थान में और ये मध्य प्रदेश में जिस तरीके से नोटा को वोट पड़े हैं, ये नोटा किसमें कितनी बड़ी गुंजाइश है 2019 के लिए? समाजवादी पार्टी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हमेशा लड़ी है और ये रास्ता ऐसा निकले जिससे कि देश खुशहाली के रास्ते पर जाए, उस प्रयास को समाजवादी पार्टी करती रहेगी। ये जो नोटा का इसमें मामला सामने आया है, जिस तरीके से राजस्थान में खेल बिगाड़ा है, इस बार इस पर आपका क्या है? उस विश्लेषण में हम नहीं पढ़ना चाहते। ईवीएम की आगे लड़ाई क्या जारी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से आप विपक्ष ही आरोप लगा रहा था, विपक्ष को सरकार बन रही है। ईवीएम पर सवाल हमेशा रहे हैं और टेक्नोलॉजी को कितना जनता समझ पा रही है, कई बार सवाल खड़े हुए हैं। अमेरिका जैसी जगह पर जहां पर ईवीएम का इस्तेमाल हुआ है, वहां भी जांचें चल रही हैं। कई चीजें खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि जो चुनाव हुआ था, किस तरीके से चुनाव को परिणाम को बदला गया। राम मंदिर मुद्दा रहा। समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है, समाजवादी पार्टी खुशहाली और तरक्की की राजनीति करती है, और समाजवादी पार्टी ने तमाम ऐसे उदाहरण पेश किए हैं जिस पे अमल अगर दूसरे प्रदेश की सरकारें भी करें तो जनता को ज्यादा राहत मिलेगी। क्या राम मंदिर का मुद्दा? आज सवाल ये है कि धान की कीमत मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जो किसान की पैदावार की आय बढ़ने की बात थी, कितने किसानों की आय बढ़ गई? आलू का किसान आत्महत्या कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले कन्नौज में एक किसान ने आत्महत्या की, आज फिर किसान ने आत्महत्या कर ली। और याद रखो टीवी चैनल वालों, आपको किसान की आत्महत्या को बहुत हाईलाइट करना चाहिए, बताना चाहिए कि किसान कितना दुखी है, परेशान है। नहीं, कल को आपकी जब परेशानी आएगी तो कोई नहीं बोलेगा आपके बारे में नौजवान लड़के ने कितनी परेशानी की बात है। अब आप सोचिए, कल सुबह सुबह 5 बजे एक अभ्यर्थी जो कि पुलिस भर्ती में नहीं हो पाई, फिर दूसरी भर्ती देखी उसमें नहीं हो पाई, और इस सर्दी में 5 बजे मिलने आ जाए कोई आपके घर पर, तो हर आदमी नौकरी रोजगार भी करना चाहता है लेकिन अवसर कौन देगा? और जब आदमी निराश हो जाता है, नौकरी रोजगार जब छिन जाएगा, कोई दिखाई नहीं देगा, तो आत्महत्या करेंगे। ये सूचनाएं मिल रही है कि आत्महत्याएं तक नौजवानों ने कर ली, और शिक्षा मित्रों ने जितनी जान दी है इतनी तो किसी ने नहीं दी। किसान आत्महत्या, मैंने आज ही बताया कि कल भी एक किसान ने आत्महत्या कर ली। आलू का किसान पहले कन्नौज में आत्महत्या किया, फिर एक और कर लिया बुंदेलखंड में बड़े पैमाने पे। आखिर क्या रास्ता कैसे निकले? कर्ज माफी तो है ही, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कार्यक्रम बनाया है, आने वाले समय में करके दिखाएंगे कि कर्ज माफी के साथ साथ किसानों के पास लाभकारी मूल्य कैसे पहुंचे, उस दिशा में समाजवादी लोग काम करेंगे। राम मंदिर के निर्माण पार्टी का काम आप मत करिए, आप एक्सप्रेसवे बनवाइए, मंडी बनवाइए, तो शायद किसान को ज्यादा लाभ होगा। आप एक्सप्रेस वे के पूछते नहीं हो क्योंकि आप खुद नहीं जानते। अगर आप एक्सप्रेस वे पे चल लें एक बार तो हमेशा एक्सप्रेस वे ही बोलेंगे, और मंडी अगर आप देखा होगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मंडी जैसी चीज किसानों के सुविधा देने के लिए बननी चाहिए। इसलिए और चीजों मत पड़िए, ध्यान मत हटाइए, अब तो बीजेपी का ध्यान हट गया है। तो लगता है कि इन चुनावों में प्रदेश सरकारों की एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन कहीं कहीं केंद्र सरकार से भी नाराजी है। नोटबंदी और जीएसटी का असर अब दिखाई दे रहा है। समाजवादियों ने तो पहले दिन ही कहा था कि रुपया काला सफेद नहीं होता है और लेन देन होता है काला सफेद। उस नोटबंदी का असर आज दिखाई दे रहा है, जीएसटी का असर आज दिखाई दे रहा है। लोगों के पास नौकरी नहीं है, रोजगार के अवसर खत्म कर दिए, और जो कारोबार धीमे हुआ है उससे पूरी अर्थव्यवस्था धीमी हो गई है। सर, आपने समर्थन किया बसपा ने समर्थन, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं था, देश नया प्रधानमंत्री चाहता है, और अभी बहुत सारे दल हैं। अभी मान लीजिए तेलंगाना में कितना अच्छा परिणाम आया,
अभी वहां के नेता भी कुछ कोशिश कर रहे थे कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा। अभी चंद्रबाबू नायडू जी भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई एक गठबंधन तैयार हो जाए। अभी ममता जी बंगाल में है, उनका कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें हम भी शामिल होंगे। तो अभी केवल विधानसभा चुनाव से आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए। और हम तो अब चैनलों को बदलते देख रहे हैं, कभी किसी का गुण गा रहे थे, अब किसका गुण गाएंगे। लेकिन जब पैर हरिमंदर के लिए नायडू जी ने बुलाया था समाजवादी पार्टी से, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अभी तेलंगाना में जो मुख्यमंत्री जी जीते हैं उनका भी एक प्रयास था। और याद रखना, ये रीजनल पार्टीज हैं जो यही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे अपने अपने प्रदेश। नीतियां डूबी हैं, किसान की को जो धोखा दिया है, युवाओं को जो धोखा दिया है, साथ ही साथ जो व्यापार खत्म हो गया है, और जो खुशहाली आनी चाहिए थी 4.5 साल में दिल्ली की सरकार ने क्या दिया है। एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है क्या सकते हैं। अच्छा सर, आपने बधाई दी कि नहीं उनको? बधाई मैं बताऊंगा नहीं, कुछ व्यक्तिगत बातें होती हैं जो मैं हम ही और दूसरे लोग जानते हैं। ठीक है सर, थैंक यू।